अभी जैसे किसानों पर लाठियां बरसाई गई हैं, तो धन्ना जो भगत है, धन्ना जाट, जाट समुदाय से रिलेटेड है और जाटों में बड़ा आक्रोश है। किसान वर्ग से आते हैं और जाटों का आरक्षण नहीं मिल पाया है। जाट आरक्षण के बाद हरियाणा में उनकी स्थिति बड़ी बदतर है, तो क्या उसको रिझाने के लिए चुनाव नजदीक आ रहे विधान लोकसभा की, इसीलिए ये जयंती मनाई जा रही है? देखिए, ये जयंतियाँ पिछले आप 8.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनी थी। आप देख रहे हैं कि उसी समय से ये क्रम चला आ रहा है। कोई ये नहीं है कि पहली बार कोई जयंती हमारी सरकार मना रही। हाँ, ये 100% सच्चाई है। हरियाणा और देश की जनता जानती है कि किसी भी संत महात्मा की जयंती हमारी सरकार आने से पहले नहीं मनाई गई थी और हमारी सरकार ने ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये फैसला लिया कि सरकार इस कदम को लेते हुए और संत महात्माओं की जयंती मनाए। ये किसी के ऊपर मनाई नहीं थी, कोई भी मना सकता है। केवल भारतीय जनता पार्टी किसी को रिझाने के लिए कह, रिझाने के लिए कोई दूसरा भी कर सकता है, लेकिन मेरा केवल ये कहना है कि हम एक नई शुरुआत लेकर के आए हैं और ये शुरुआत लोगों के अंदर बहुत अच्छा संदेश दे करके गई है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा कि रविदास जी की जयंती भी कुछ दिन पहले 3 फरवरी को हमारी सरकार ने मनाई, सब लोग उसमें शामिल हुए। और एक बात और, बहुत सारी चीज़ें हमें राजनीति से थोड़ा सा अलग करके देखनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से अगर धन्ना भगत जी की हम बात करें तो समरसता का जो संदेश हमारे संत महात्माओं ने दिया, उनके जीवन से जो जाता है, हर एक बात अगर हम गौर करें तो रामानंद जी के जो शिष्य थे उसमें धन्ना भगत भी जो जाट समाज से आते हैं, गुरु रविदास जी, कबीरदास जी, ऐसे महान संत, यानी कि इस प्रकार के संतों की जो परंपरा है वो अपने आप में जब इमकिन के जीवन के ऊपर निगाह डालते हैं तो समरसता का ही एक संदेश देते हैं, अंत्योदय का ही संदेश देते हैं। इसलिए इसमें से मैं नहीं समझता कि कहीं कोई राजनीतिक इसमें से कोई सवाल ढूंढने का प्रयास होना चाहिए। 8.5 साल में बिल्कुल निश्चित रूप से महापुरुषों की, संत महापुरुषों की जयंती बीजेपी मना रही है, खासकर धन्ना भगत जी 8.5 साल बाद ही बीजेपी को याद तो आए, याद आए। और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई क्यों आए, वो तो सब समाज के हैं, समाज के लोग मनाते हैं। अब मैं अगर थोड़ा सा आपको ध्यान कराऊं, मेरे पड़ोस के गांव में रत्ताखेड़ा गांव है, मेरे घर के 2 किलोमीटर के नज़दीक, मैं पिछले 7-8 साल से लगातार कार्यक्रम में जा रहा हूं। बड़ा भव्य वहां पे मंदिर बना है और बहुत सारी व्यवस्थाएं वहां पर खड़ी हुई हैं, सेवा के काम वहां से चलते हैं और सरकारी स्तर पर पहली बार मनाई जा रही है। ये बिल्कुल सच्चाई है और उसकी शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी ने की है। हरियाणा और पंजाब के ऐसे बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, राजस्थान में भी खूब मनाई जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मनाई जाती। हाँ, सरकारी स्तर पे पहली बार भारतीय जनता पार्टी इसको मना रही है। बड़ा साहब, और इसी कहते हैं कि जब भी इलेक्शन नजदीक आता है बीजेपी काट का खेल खेलना शुरू कर देती है, और आप एक तरफ से समझता की बात कर रहे हैं उनका जो आरोप है, तो क्या कुछ कहें? देखिए, कोई क्या कहता है ये सवाल अलग है। लोग हर चीज़ के अंदर राजनीति ढूंढना शुरू करते हैं। मैं केवल एक ही बात जो मैंने पहले की उसको दोहराना चाहूँगा कि संत महात्माओं ने कभी भी इस प्रकार की कोई बात नहीं करी कि कोई इस रास्ते जाए, कोई इस तरह समरसता की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि गुरु रामानंद जी के जो शिष्य थे, समाज के सभी वर्गों से थे ना, जाट समाज से धन्ना भगत जी थे, रविदास जी थे, संत कबीर जी थे, बाद की परंपरा में मीरा जी आते हैं, तो जब है टोटल 14। हाँ, तो इस प्रकार के जो संत हैं, जब उन्होंने एक रास्ता इस प्रकार का दिखाया है तो हम उसमें से दूसरी चीज को ढूंढने का हमें प्रयास ही नहीं करना चाहिए। चलो, अच्छी बात है संत महात्माओं की आप जयंती मनाए, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो नीड है समाज की, उनसे बीजेपी पीछे क्यों भाग रही है, जबकि आप मौजूदा दौर में महंगाई भी बहुत है, बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा है जी। 8-8.5 साल में क्या कुछ किया बीजेपी ने? देखिए, एक ये बिल्कुल स्पष्ट बात है कि हरियाणा प्रदेश की जो एक राजनीतिक संस्कृति थी उसको बदलने का सबसे बड़ा काम
अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मेरिट के आधार पर रोजगार देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कर्मचारियों के ऊपर नौकरी मिलने के बाद जो ट्रांसफ़र की तलवार लटकती थी उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको ख़त्म किया। किसान की अगर फसल खराब हो जाए, सबसे ज़्यादा मुआवजा तथाकथित जो किसान नेता अपने आप को कहते थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनसे ज़्यादा हमारी सरकार ने दिया। आज अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात है, हरियाणा प्रदेश के अंदर एक रिकॉर्ड की बात है कि सबसे ज़्यादा आधारभूत ढांचा अगर मजबूत हुआ, आप सड़कें देखिए, आप दूसरी व्यवस्थाएं देखिए, हर ज़िले के अंदर मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था देखिए, अगर ये सारी कदम बढ़ाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाए। और दूसरी तरफ गरीब कल्याण के लिए जो काम हमारी सरकार ने किए हैं, अब बदकिस्मती से पूरी दुनिया के अंदर कोविड की जो बीमारी आई उसमें उसके इलाज से लेकर के गरीब आदमी मजदूर आदमी जो रोज़ कमाने का काम और रोज़ खाने का काम करता था उसके लिए अनाज की व्यवस्था उस समय से लेकर के आज तक की तो भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने की। आयुष्मान और चिरायु योजना बना करके 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज परिवार का हो, और केवल इलाज नहीं, 1 साल में उस परिवार के सदस्य सभी फ्री में कोई चेकअप करवाएं, ये सुविधा अगर दी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। यानी कि कोई भी ऐसा मामला नहीं जिसमें सरकार पीछे रही हो। किसान की जहाँ तक बात आती है, किसान की फसल का जैसे मैंने मुआवजे की बात की, और उसके अलावा बहुत सारी जो फसलें हैं भावांतर भरपाई तक की योजना हमारी सरकार लेकर के आई। आज अगर किसान की फसल, अगर धान की फसल की बात करें, हरियाणा के इतिहास में सबसे ज़्यादा भाव दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भाव दिया। आज सरसों की फसल पक कर के तैयार है, बदकिस्मती से ओलावृष्टि हुई, गेहूं की फसल को भी नुकसान हुआ, तुरंत गिरदावरी करवा करके उसका मुआवजा किसान को देने का काम ये किया तो हमारी सरकार ने किया। यानी कि समाज के हर वर्ग के लिए गरीब कल्याण का काम, समाज को ऊपर उठाने का काम, प्रदेश का आधारभूत ढांचा मजबूत करने का काम, ये सारा काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और ये केवल एक दिन में नहीं हुआ, 8.5 साल से प्रदेश के मुख्यमंत्री और लगभग 9 साल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सेवा भाव से देश और प्रदेश की सेवा के काम में जुटे हुए हैं। देखिए, संतुष्टि कभी भी नहीं होती है। आज अगर मैं अच्छी कोई फसल लेकर के अच्छे भाव सरकार से ले रहा हूँ तो मेरी इच्छा ये रहेगी कि और अच्छा भाव मेरे को मिले, और ये हमेशा रहना चाहिए। किसान की मांग ये रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये वही सरकार है जिसके खिलाफ लोग किसान विरोधी सरकार और किसान विरोधी मुख्यमंत्री होने की बात करते थे। आज मैं जैसे कह रहा हूँ आपको, पीछे 14 फरवरी को अमित शाह जी करनाल के अंदर आए थे, एक्सपोर्ट हाउस खोला था, इसी सरकार ने खोला, इसी मुख्यमंत्री ने खोला, इन्हीं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खोला, जिसके कारण से एफेड जैसे विभाग जो सहकारी हमारे विभाग हैं उनके माध्यम से चावल का निर्यात सरकार ने बढ़ाने का जो फैसला लिया, आज उसमें आप देख सकते हैं कि चावल का और धान का रेट किसान को क्या मिला। वही मैं बात कर रहा था, आज सरसों की फसल पक कर के तैयार है, जहां ख़राब हुई मुआवजे की बात भी की है, लेकिन उसका भाव पिछली सरकारों के मुकाबले आज मार्केट में भाव भी MSP से ज़्यादा मिल रहा है। सरकार ने ऐसी पॉलिसियाँ लागू की हैं जिसके कारण से सरकार एक प्लेयर के रूप में बीच में आती है व्यापारी वर्ग के, और उसका जो भाव है सरकार के बीच में आने से हमारी किसान की फसल का भाव, ज़्यादातर फसलों का भाव MSP से ऊपर जा रहा है बाजार के अंदर। पार्टी का कार्यक्रम हमने चलाया हुआ है, हम शक्ति केंद्र, उसके माध्यम से बूथ और बूथ के बाद पन्ना, वोटर लिस्ट का जो पन्ना है, उस पन्ने पर, हर पन्ने पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की हमारी कोशिश है। चुनाव में कब क्या निर्णय होगा वो चुनाव आएगा तब देखेंगे। हमारा हाईकमान, ये जो प्रशासनिक जो काम रहता है उसमें सरकार अपना काम करती है, और कहीं पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी स्थिति बनती है तो
तो वो प्रशासनिक जो अधिकारी रहते हैं वो जो उचित समझते हैं वो होता है। हालांकि कहीं भी इस प्रकार का कोई कदम, कड़ा कदम उठाया जाता है वो किसी को भी स्वीकार्य नहीं होता। व्यक्तिगत क्या मानना है? क्या मेरा व्यक्तिगत, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मेरे समेत हर पार्टी का कार्यकर्ता ये निर्णय हमारा जो हाईकमान है उसके ऊपर छोड़ करके चलता है और वो चुनाव के समय का फैसला है। आज तो हम, जैसे मैंने बताया, हर पन्ने के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कैसे जीते, हर बूथ के ऊपर कैसे जीते, हो पाई है या नहीं हो पाई है 8.5 सालों में। देखिए क्यों नहीं हुई, मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी हमारी जो 19 का चुनाव था उस चुनाव में 2014 के मुकाबले 3.65% वोट हमें बढ़ करके मिला है, और कैसे मजबूत होगी। जी, जो जिस प्रकार से आप महान पुरुषों की जयंती आप मना रहे हैं, एक दिन इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने का एक प्रयास तो हमारी सरकार ने शुरू किया, उसके बाद हम समाज के सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि सरकार जो कदम उठाती है उसके साथ मिल करके हम भी इस प्रकार की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का काम करें। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के सरकारों की बात है, हमारी सरकार ने तो गीता जो जीवन जीने की एक पद्धति हमें सिखाती है, पूरी दुनिया में कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जिसमें किसी भी प्रकार की पूजा पद्धति की चर्चा नहीं है, केवल किस प्रकार से व्यक्ति का उत्थान हो सकता है उसके ऊपर वो ग्रंथ है, उसकी भी शिक्षाएं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएं, ये हमारी शिक्षा प्रणाली के अंदर ही इन बातों को शामिल किया जा रहा है। अगर सरकार उस गीता का ज्ञान को भी अपने ऊपर लागू कर ले तो निश्चित तौर पर प्रदेश में किसी प्रकार का तो सुना। चलिए, मेरे ख्याल में अब सवाल जहाँ तक सरपंचों की बात है, सरपंच अपनी मांग के लिए लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कह रहे हैं और सब लोगों को अधिकार है जनता के बीच में जाने का। अब उनके विरोध का वो एक व्यवस्था के खिलाफ वो अपनी बात रख रहे हैं, ये कार्यक्रम अलग है, इसमें कोई सर, आपसे वो सारे जिलों में जा करके आते हैं, लगातार ही तो जा रहे हैं एक एक साल में एक जिले में। देखिए वो देखिए क्या है कि ये हर आदमी इसकी अलग व्याख्या कर सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में रहते हैं, अब पहले भी रहे, पिछले कार्यकाल में भी और इसमें भी है और जा रहे हैं, अभी कार्यक्रम बने हुए हैं मुख्यमंत्री जी के। जी, आपने सरकार को बिल्कुल पारदर्शी बताया जी, अपनी सरकार को जी, और आपके सहयोगी दल का भी प्रेस वार्ता में जिक्र है जी। इसी सरकार में 8 साल में कभी रजिस्ट्री घोटाला, कभी शराब घोटाला, कभी चावल घोटाला, कभी पेपर लीक घोटाला, घोटाले में जाकर हुए केस दर्ज हुए, कार्रवाई आगे कभी बढ़ी। देखिए हर एक विषय के ऊपर कहीं कोई लीपा पोती नहीं, पूर्व की सरकारों में आप देखेंगे कि इस प्रकार के दुनिया भर के घोटाले घपले होते थे, लीपापोती होती थी, यहाँ कोई भी कितना भी किसी भी प्रकार का इस प्रकार का कोई मामला होता है सरकार उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेती है, किसी को दबाने का प्रयास नहीं करती। बिल्कुल, हमने एक तुरंत एक्शन लेती है, केस भी दर्ज होते हैं, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है? देखिए वो कानून सम्मत जो भी बनता है उसके ऊपर कार्रवाई तो होती है, एक दिन में तो कार्रवाई होती भी नहीं। ठीक है साहब, पीछे भी अतीत में बातें निकल के आई, आपको क्या लगता है 2024 में? इस पे तो पीछे मैं इस पे अपना वक्तव्य पहले भी दे चुका हूँ कि हमारी बहुत सशक्त पार्टी है और करीब 9 साल से केंद्र में और 8.5 साल से हरियाणा में सरकार जो है भाजपा की है, तो हमें किसी प्रकार की बैसाखी की आवश्यकता नहीं है। और कल की बात है, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो बयान दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें मैं भी मौजूद था, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। उन्होंने कहा हम 10 की 10 लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो डिप्टी हटाने की तैयारी कर रहे हैं, उससे आप समझ सकते हैं जो स्थिति है। चलो इसी 100% जानकारी नहीं है जो आप कह रहे हैं उसकी तरफ ध्यान दे करके बात करेंगे, दिक्कत कहाँ है और जल्द से जल्द कैसे इस समस्या का समाधान हो प्रयास करेंगे।